बच्चों, मैं श्री गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एलसीएम निकालने के एलसीएम जिसमें ए बी सी डी चार आंसर दिए होते हैं, फाइंड द एलसीएम और नंबर दिए होते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जो आप सोचेंगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, जो कंपटीशन में आते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे तो आप निकाल देंगे एलसीएम, तो आप निकाल देंगे, लेकिन यहाँ टॉपिक है कि एलसीएम इन सेकेंड्स, सुपर फास्ट ट्रिक। और मैं कौन सी सुपर फास्ट ट्रिक यूज करूँगा? डिजिटल सम एंड डिविजिबिलिटी रूल, इसकी हेल्प से मैं सारे सवाल कर दूंगा कोई भी हो। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम और पीरियड 73। इसमें आप ये देख लीजिए कि किसी भी जो नंबर पूछ रहे हैं इनका सम 9 तो नहीं आ रहा, सम डिजिटल सम 9 तो नहीं आ रहा। जल्दी सर, नहीं, हाँ इसका आ रहा 4 4 8 1 9, 7 3 10 1 हो गया, 8 4 12 12 13, 12 13 हो गया, तो ये तो नहीं आ रहा था, तो इसमें इसका आ रहा है। इसका मतलब जो आंसर दिए होंगे उसमें भी डिजिटल सम में 9 आएगा, वही आंसर होगा हमारा। चलिए सर चेक करते हैं, 6 8 7 2 9 और 1 10 नहीं आ रहा, 6 8 7 3 10 11 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 8 4 12 और 1 13 नहीं आ रहा, तो इसका भाई यही होगा फिर एक आंसर 5 8 3 5 8 1 9, इसका सम 9 आ रहा, दिस इज द आंसर। करके देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड एलसीएम ऑफ 12 15 18 24। ये जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर का सम 9 आए, आप 2 हो 3 हो सबके भी सम 9 है, मुझे तो एक नंबर 9 चाहिए, ठीक है, तो इसमें 9 कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब आंसर में भी 9 होगा, तो 2 4 3 6 हाँ भाई हो सकता है, 5 1 नहीं, 8 आया ना इसका, 9 भाई ये भी हो सकता है यार, यहाँ तो 2 2 आ गए, बड़ी परेशानी हो, तो आप हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, यानी इनके फैक्टर करके इनको डिवाइड करेंगे। और सर अब आप चेक करोगे ये तो दोनों नंबर हर नंबर से इसके फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं। फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर का मतलब है कि अगर 100 नंबर है और 20 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 20 के फैक्टर से भी 100 डिवाइड होगा, 2 से 5 से 10 से होगा, होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है, तो इसके फैक्टर कर लीजिए। कहाँ है नंबर जी? 3 और 5 3 और 4 5 और 6 6, तो ये तो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन यार ये कंडीशन है, देखिए कंपटीशन में कैसे सवाल आते हैं। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब ये भी और ये भी इन मल्टीपल है, तो हमारा आंसर भी आया, समझ गए? डिविजिबिलिटी रूल तो हमने इसमें एक तरीके से चेक ही नहीं करा, ठीक है, चलिए और कराते हैं।